कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वोटिंग की ग्राउंड रिपोर्ट समाप्त तक पहुंचा रहे हैं। आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। बड़ी खबर आपको बता दूं, आधा घंटा पूरा हो गया है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 7:34 इस समय। अंतिम फेज में 7 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हो रहा है। ईवीएम में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं, वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कुपवाड़ा लेकर चलेंगे आपको, नॉर्थ कश्मीर का ये भी एक जिला है। अहमद बिलाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, जरा दिखाइए कश्मीर में जमहूरियत के जश्न की तस्वीरें आज। बिल्कुल रुमाना, देखिए तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जो है वो तकरीबन आधे घंटे से जारी है और इस वक्त हम कुपवाड़ा के लंगेट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये लंगेट का सब्जीपुरा पोलिंग स्टेशन है। और ये जो लंगेट विधानसभा क्षेत्र है ये बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से आते हैं बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद और यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 2008 में उन्होंने अपनी राजनीतिक सियासत की शुरुआत की थी और पहली बार विधायक बने थे। और 2014 में भी इंजीनियर राशिद जो है वो इसी सीट से विधायक बने थे और इस बार उनके छोटे भाई खुर्शीद अहमद शेख जो है वो उनकी पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार है। वोटरों की लाइन जो है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके का जमहूरियत का जश्न जिसकी आप बात कर रही थी वो यहाँ पर है। कुछ वोटर से बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? बस जुल्म के खिलाफ वोट दे रहे हैं, अभी जुल्म जबर जो भी है खत्म हो जाना चाहिए। बाकी इंजीनियर साहब ने जो पिछले सालों में किया है इससे ज्यादा उम्मीद हम ठीक है। आपका क्या है किस मुद्दे, आप युवा हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? डेवलपमेंट पे वोट दे रहे हैं। इस तरीके का विकास चाहिए, चीज की कमी है, लाइब्रेरी की कमी है सर, हमारे साथ बेरोजगारी की कमी है मेरे पास। आप बताइए क्या बेरोजगारी का मुद्दा है? डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये कश्मीर कुपवाड़ा की आवाज आप सुन रहे थे। ABP News आपको रखे आगे।